इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके पास दो सोर्सेज हैं, एक सोर्स S1 सोर्स ऑफ लाइट एंड अनदर सोर्सेज S2, और ये दोनों जो सोर्सेज हैं वो लाइट अमिट कर रहे हैं, और जो वेव S1 सोर्स से अमिट कर रही है उसका कुछ मैथमेटिक्स हम ऐसे लिखते हैं, वेव इक्वेशन लिखते हैं। उसकी जो वेव इक्वेशन होगी Y1 इज इक्वल टू A इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड दिस इज ए कोसाइन वेव, राइट? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो जो दूसरी वेव जो सोर्स S2 प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लिख देंगे Y2, बी उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और पहली और दूसरी वेव के बीच में कोई एक फाई फेज डिफरेंस हो जाएगा, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ऐसे हम लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आप मैथमेटिक्स को देखिए कि किस तरीके से हम इस थ्योरी वाले पार्ट का मैथमेटिक्स लिख देंगे और आपको लगेगा सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नाउ जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, ये दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जुड़ जाएगा, दिस इज Y1 प्लस Y2। सो यूजिंग ए इसको इक्वेशन हम 3 लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वन एंड इक्वेशन 2, आप यहाँ लिख दीजिए Y1 में आप भर देंगे A cos omega t प्लस B cos, दिस इज omega t प्लस phi। अब आप इस पार्ट को सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, हम यहाँ लिख देंगे यूजिंग जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे, दिस इज cos A प्लस बी इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B। ये फार्मूला हम यहाँ इस्तेमाल कर देंगे और यहाँ ओमेगा टी वाले पार्ट को हम ए कंसिडर करेंगे और फाई वाले पार्ट को हम बी कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास जो अगला रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, Y इज इक्वल टू A cos ओमेगा टी प्लस B को आप बाहर रख लीजिए और इसको एक्सपेंड कर दीजिए, आपके पास है cos A इज इक्वल टू ओमेगा टी एंड B इज फाई, सो cos ओमेगा टी एंड cos फाई माइनस sin ओमेगा टी एंड sin फाई। ओके, सो नाउ फ्रॉम हियर यू कैन ओपन द ब्रैकेट, अब आप ब्रैकेट खोल सकते हैं, देखिए Y इज इक्वल टू A cos ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी cos फाई माइनस B sin ओमेगा टी एंड sin फाई। ओके, सो हम इसको थोड़ा सा अब नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम आगे लिखते हैं, ये फिजिक्स वाला नॉर्मलाइजेशन नहीं है, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। ये आपके पास आ जाएगा Y इज इक्वल टू, यहाँ से आप cos ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे, इस पार्ट से आप cos ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे, ये देखिए, तो जब cos ओमेगा टी हम कॉमन लेंगे तो अंदर की चीज़ों को हम डिवाइड करेंगे, सो वी विल लेफ्ट विद द A प्लस B cos phi, और ब्रैकेट के बाहर आपके पास आ जाएगा cos ओमेगा टी माइनस B sin phi एंड दिस इज sin ओमेगा टी। ओके, सो लेट यहाँ हम लिखें, मान लेते हैं हम A प्लस B cos phi इज इक्वल टू सम आर कॉस थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, एंड बी साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 5,
यूजिंग दिस वी विल हैव बाई इज इक्वल टू, आप यहाँ लिख सकते हैं इस पार्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस इज आर कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस आर साइन थीटा एंड दिस इज साइन ओमेगा टी। सो यूजिंग, अब इसी फार्मूले का आप दोबारा फिर से यूज कर दीजिए, रिवर्ट में आप यहाँ लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू आर, दिस इज कॉस ए इज ओमेगा टी एंड हियर बी इज थीटा, दिस इज आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मजेदार बात क्या है, अब ये देखने वाला जो है मैथ की सुंदरता हमने यहाँ देखनी है कि देखिए आपके पास यहाँ से एस वन पॉइंट से एक वेव चली और उसकी शक्ल जो है वो शक्ल इस तरीके की थी और उसकी मैथमेटिकल शक्ल इस तरीके की थी। जो दूसरी वेव चली वो और इस वेव के बीच में कोई एक फेज डिफरेंस फाई था, आई मीन उनकी जो लोकेशन ऑफ द पार्टिकल्स है वो फाई से डिफरेंट है और वो यहाँ मिलती है पी पॉइंट के ऊपर। मिलने के बाद वेव जब वेव से टकराती है तो नई वेव बनती है और जो नई वेव बनती है उस वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, देखिए आप पहली वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ए है, यहाँ देख सकते हैं आप ये इतनी जगह की हम बात कर रहे हैं, और जो दूसरी वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बी है, ये आप सामने देख रहे हो। जब ये दोनों मिलेंगी तो इसका जो नया एम्पलीट्यूड होगा टकराने के बाद और जो थीटा होगा ये फेज डिफरेंस होगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेव, राइट। सो नाउ वी विल प्रोसीड अहेड कि अब हम ये देखेंगे कि ये जो फेज डिफरेंस होगा ये कितना होगा और जो एम्पलीट्यूड होगा ये कितना होगा, इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा आर्टिकल आपने प्लस वन में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो अब इसमें बैक पेज जाने की थोड़ा व्यवस्था कम है, हम यहाँ लिखते हैं यूजिंग, इस कंसेप्ट को हम यूज़ कर लेते हैं, ए प्लस बी कॉस फाई, ए प्लस बी कॉस फाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास बी साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग दिस इक्वेशंस, इनका नाम इक्वेशन नंबर हम फिर दोबारा 1 2 दे देते हैं क्योंकि हम इसकी बात इसी पेज पर करेंगे, इसको हम P1 और P2 लिख देते हैं। बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन P1 एंड P2, ये जो ऑपरेशन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में अलग और राइट हैंड साइड में अलग होगा। लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर और ऐड करके अलग जुड़ेगा और राइट हैंड साइड अलग तरीके से जुड़ेगा, तो हम इसको स्क्वायर और ऐड कर देते हैं। ये देखिए ये बनेगा ए प्लस बी कॉस फाई का स्क्वायर कर दिया हमने, और दूसरी इक्वेशन में भी हमने लेफ्ट हैंड साइड का ही किया, ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इधर आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर साइंस के थीट, राइट। अब आप इसको खोल दीजिए, आपके पास आ जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं आप कलर से, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव प्लस बी स्क्वायर साइंस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू, यहाँ से आप आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आप जानते हैं, और आप इस पार्ट को भी आप कलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1, वी आर लेफ्ट विद आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। तो जो नई वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इतना होगा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस टू ए बी कॉस फाई का स्क्वायर रूट। इसको आप नई शक्ल देने के लिए एक बहुत एक सुंदर एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं कि हम जब स्क्रीन के ऊपर इनको इंटरफेयर होता हुआ देखेंगे तो हम वहाँ इनके एम्पलीट्यूड को तो नहीं माप सकेंगे, बट हम इसकी इंटेंसिटी को देख सकेंगे। यदि हम इसको इंटेंसिटी के टर्म में देखना चाहते हैं, मैं इसको इक्वेशन नंबर P3 लिख देता हूँ। बी नो दैट हमें वहाँ ब्राइट और डार्क दिखता है। बी नो दैट इंटेंसिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द पार्ट वन। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो इन इक्वेशन पी थ्री उसको आप कैसे लिख सकते हैं? आप यहाँ लिखते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो थर्ड वेव बनेंगी, ये आपके पास आएगा इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव सोर्स S1 से निकलने वाली, ये सेकेंड सोर्स से लिखने वाली, और यहाँ आ जाएगा 2√IA√IB एंड दिस पार्ट इज cos phi। सो cos phi, phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। ये है फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, बिटवीन टू वेव्स जो S1 और S2 से निकल रही है। ओके, सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यस, सो दिस इज द फाइनल फॉर्म, यू कैन राइट इट डाउन। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हमें जानते हैं कि कभी जब ये इसकी इंटेंसिटी स्क्रीन पर आपको दिखेगी, कभी ये मैक्सिमम दिखेगी, कभी मिनिमम दिखेगी। सो दिस फाइव पार्ट विल कंट्रोल दैट बिहेवियर। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, राइट? सो मैक्सिमम इंटेंसिटी के केस में क्या होगा? कॉस फाइव मस्ट बी इक्वल टू 1। तो जो कॉस फाइव वाला जो पार्ट है वो 1 होना चाहिए। देन इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। देन इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉस फाइव है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो जो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इसका आंसर मैक्सिमम आना चाहिए। और ये मैक्सिमम आंसर कब आएगा? यदि कॉस फाई की जगह 1 आएगा, राइट? और ये कब हो सकता है? जब फाई की वैल्यू या तो 0 हो, या तो कोई प्लस माइनस 2π हो, या फिर प्लस माइनस 4π हो, और इसी तरीके से 6π 8π इस तरीके से हो जानी चाहिए। हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए फाई कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए, प्लस माइनस 2π होना चाहिए, कॉमा प्लस माइनस 2 × 2π होना चाहिए, कॉमा प्लस माइनस 3 × 2π होना चाहिए। इस तरीके से इसका मतलब क्या होना चाहिए? फाई इज इक्वल टू n टाइम 2π होना चाहिए। ये कंडीशन हो जाएगी जब हर बार आपकी जो इंटरफेरेंस है कंस्ट्रक्टिव होगी और इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। हमने आपको पार्ट वन में ये बताया था कि एक जो रिंग होता है, एक सर्कुलर रिंग का एक सिंपल तरीका है जिसमें आपको ज़्यादा नहीं उलझना है। ये देखिए एक रिंग है, इसको मैथमेटिक्स में हम कहेंगे, एंगल की टर्म में हम 2π कह देंगे। ये देखिए ये रिंग है, और इस रिंग में आप यदि ए पॉइंट से चलते हैं वापस फिर ए पर आ जाते हैं, सो आपका जो एंगल बनेगा वो होगा 2π। बट यही जो रिंग है इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ की टर्म में? इसको आप फिर रिकॉल कर लीजिए। ये देखिए आधा रिंग ऊपर रख दीजिए और आधा रिंग नीचे लगा दीजिए, यही एक वेवलेंथ है। सो यदि आप करें इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, एन टाइम 2π इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
देन इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ इट इट शुड बी एन टाइम लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब फाई जो है वो फेज डिफरेंस के टर्म में एन टाइम टू पाई होना चाहिए और जो पाथ रेफरेंस के टर्म में एन टाइम लैम्डा होना चाहिए, राइट। सो इन ऑल दैट केसेस आपका जो इंटेंसिटी है कॉस फाई का जो वैल्यू है वो वन आएगा और आपकी इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो आपका जो फार्मूला वो क्या शेप ले लेगा इसको समझने के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। सो एक बार आपको फार्मूला से ही बता देते हैं हम कि हमने कहा कि जो फाई है वो फेज डिफरेंस के टर्म में एन टाइम टू पाई होना चाहिए। फिर शॉर्टकट से आपको बता दिए कि आप टू पाई की जगह सीधा लैम्डा लिख दीजिए, वो भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। हमने फार्मूला पढ़ा है कि जो पाथ डिफरेंस है वो है लैम्डा अपॉन टू पाई इंटू फेज डिफरेंस अब फेज डिफरेंस आपके पास एन टाइम टू पाई है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा क्या होना चाहिए, दोनों वेव के रास्ता में कितना बड़ा छोटा होना चाहिए, ये है इसका अपने अपनी गांव की भाषा में इसका मीनिंग। एन अपॉन टू पाई इंटू फेज डिफरेंस का मतलब ये एन टाइम टू पाई, ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। देखिए आप एन टाइम लैम्डा आ गया, तो यही कह रहे थे हम कि आप 2 पाई को डायरेक्ट लैम्डा से रिप्लेस कर सकते हैं तो उससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। अब आपका जो फार्मूला वो क्या शेप ले लेगा, सवाल ये है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो आई थी हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव इंटेंसिटी ऑफ द सेकंड वेव प्लस 2 टाइम अंडर रूट ऑफ आई ए अंडर रूट ऑफ आई बी। अब कॉस फाई की जगह हर हाल में वन हो जाएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे ले सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी अंडर रूट आई ए प्लस अंडर रूट आई बी का स्क्वायर। इसको यदि आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन दिख जाएगी। अब इसको यदि हम एम्पलीट्यूड में लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, आप फार्मूला इस्तेमाल कर दें कि जो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास a प्लस बी, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेव, इसका स्क्वायर आ जाएगा। सो ये आपको लिखने का दूसरा तरीका हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए कि यदि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो उसका मैथमेटिक्स कितना सुंदर होना चाहिए, तो आपको लाइट कैसे दिखनी चाहिए। देखिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, देखिए आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जानी चाहिए कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है आपके पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी है वो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ऑफ द सोर्स ए एंड इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स बी प्लस 2 अंडर रूट इंटेंसिटी ऑफ ए अंडर रूट इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स बी and this part is cos phi. So for destructive interference to takes place, ये वाला जो part है this part should be minus 1, right? Okay? So cos phi should be minus 1. So ये इसकी जगह हम लिख देंगे कि ये intensity जो है वो minimum हो जानी चाहिए। तो minimum कब हो जाएगी, जब cos phi की minimum value होगी। तो cos phi की value कैसे vary करती है, minus 1, 0 और plus 1. So when it will be minus 1, so this intensity will be minimum, okay? So I can write now, so I will be I minimum. So you can write in that case, if it is minus 1, then it could be written as
under root IA. So, well, I would like to discuss the conditions first. Okay, so I would like to write कि जो phi का value है वो होना चाहिए, उसी term में हम explain करने की कोशिश करते हैं, plus minus pi, और plus minus 3 pi हो जाना चाहिए या plus minus 5 pi हो जाना चाहिए. और उस केस में हमारे पास जो जनरल हम इसको फार्मूले में लिखने की कोशिश करें तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा एन टाइम एन प्लस वन बाई टू टाइम टू पाई हो जाना चाहिए, मींस हाफ बनना चाहिए, पाई बाई टू हो जाना चाहिए, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, इसको हमने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है. और यदि पाथ रेफरेंस के टर्म में हो तो हम आपको सीधा ही सुझाव देंगे कि पाथ डिफरेंस के टर्म में आप इसको 2 पाई को लैम्डा से रिप्लेस कर सकते हैं. तो पाथ डिफरेंस के टर्म में ये होना चाहिए प्लस माइनस एन प्लस वन बाई टू इंटू लैम्डा. सो ये होना चाहिए फाई का वैल्यू फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ रेफरेंस, और ये होना चाहिए इसका वैल्यू फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस between the two waves, right? So, in all these cases, यदि आप phi की value in terms of the path difference or in terms of phase difference आप substitute करते हैं, तो आपका जो cos phi का value है वो minus one आएगा. अब हम यहाँ लिखते हैं, तो I R जो है, it will be equal to I A plus I B plus two under root I A into under root आई बी. अब हर हाल में जो कॉस फाई है वो माइनस वन आएगा, इसलिए हम यहाँ माइनस वन सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो यू विल लेफ्ट विद द आई आर इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी माइनस टू अंडर रूट आई ए इंटू आई बी, राइट? सो वी कैन राइट इट लाइक दिस. रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको जिस जो मिनिमम होगी वो कैसे दिखेगी, अंडर रूट आई ए माइनस अंडर रूट आई बी दिस होल स्क्वायर. और इसको यदि हम और लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको दिखेगी ए माइनस बी होल स्क्वायर. सो दिस इज द वे टू राइट द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, राइट? So...